आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो बच्चों, प्रश्न है हमारे पास। प्रत्येक m द्रव्यमान और r त्रिज्या के गोले को बी भुजा वाले एक वर्ग के चार कोने ए बी सी डी पर उनके केंद्रों के साथ रखा गया है। गोले ए और बी खोखले और गोले सी और डी ठोस हैं। वर्ग की भुजा ए डी के परितः निकाय का जड़त्व आघूर्ण है। इसके लिए हमारे पास विकल्प है। पहला विकल्प है 8/3 एम आर स्क्वायर प्लस 2 एम बी स्क्वायर। दूसरा विकल्प है 8/5 एम आर स्क्वायर प्लस 2 एम बी स्क्वायर। तीसरा विकल्प है 32/15 एम आर स्क्वायर प्लस 2 एम बी स्क्वायर। चौथा विकल्प है 32 एम आर स्क्वायर प्लस 4 एम बी स्क्वायर। तो चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस प्रश्न में हम चित्र बना लेते हैं। तो हम वर्ग बना लेते हैं सबसे पहले। तो हमें क्या दे रखा था, एक वर्ग दे रखा था। मान लेते हैं ये इसकी भुजा b और b है, और जो ये गोले हैं इसको हम मान लेते हैं a गोला, इसको b, इसको c, इसको d। हमसे क्या कहा था, a और b क्या हैं, खोखले हैं। a वाला और b वाला दोनों खोखले हो जाएंगे, और c वाला और d वाला क्या हो जाएगा, दोनों ठोस गोले हैं। जड़त्व आघूर्ण के हम AD भुजा पर हमको देखना है। सबसे पहले जो गोले होते हैं उनमें दो तरह के आघूर्ण होते हैं। यदि गोला खोखला हो तो जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो IH क्या होता है, 2/3 एम आर स्क्वायर, वो होगा A और B गोले के लिए। और हम बात करें यदि गोला ठोस हो तो IS बराबर क्या आएगा, 2/5 एम आर स्क्वायर आता है। ठीक है, ये जो दोनों फॉर्मूले हैं वो हमारे बेसिक फॉर्मूले हैं जो हमें याद होने चाहिए। अब हमें जो चित्र दे रखा था उसमें ए और बी दोनों गोले कैसे थे, दोनों खोखले गोले थे, दोनों होलो थे, और सी और डी दोनों ठोस गोले थे, दोनों सॉलिड थे। ठीक है, तो आई ए डी पर हम देखते हैं। पहले बी वाले के लिए जो जड़त्व अवगुण होगा वो क्या होगा, तो वो हम निकाल लेते हैं। आई ए डी पर क्या होगा, आई एच प्लस दूरी कितनी है बी, तो ये होगा हमारा एम पी स्क्वायर, ये होगा हमारा समांतर अक्ष प्रमेय से। अब बात करें सी वाले के लिए, तो उसके द्वारा क्या होगा जड़त्व आघूर्ण, आई ए डी बराबर आई एच, आई एस हो जाएगा यहाँ पर क्योंकि सॉलिड है, ठोस है, आई एस प्लस एम बी स्क्वायर, ये भी समांतर अक्ष प्रमेय से, समांतर अक्ष प्रमेय से। यदि हम एडी भुजा पर जड़त्व आघूर्ण की बात करें तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से वो हो जाएगा हमारे पास 2IH प्लस 2IS प्लस MB स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर हो जाएगा। फिर बात करें तो IAD बराबर IH का यहाँ पे मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 से गुणा होगा तो 4/3 MR स्क्वायर। IS का यहाँ पर मान रख देते हैं 2/5, दो से गुणा होगा तो 4/5 एम आर स्क्वायर प्लस 2 एम बी स्क्वायर, एम बी स्क्वायर एम बी स्क्वायर, ये कितना हो गया 2 एम बी स्क्वायर। आगे बात करते हैं, यहाँ पर हम LCM लेंगे तो क्या आएगा, आई ए डी बराबर 5 और 3 का LCM कितना हो जाएगा 15, 3 पंजे 15, 5 चौक 20, 20 5 थिया 15, 4 थिया 12, 12 और 20 कितना हो गया 32/15 एम आर स्क्वायर, और ये कितना था 2 एम बी स्क्वायर। ऐसा कैसा, ये होगा हमारा आई ए डी भुजा पर जड़त्व आघूर्ण। ये जो हमारा आंसर आया है वो मैच करेगा विकल्प 3 के साथ, 32/15 एम आर स्क्वायर प्लस 2 एम बी स्क्वायर, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। थैंक्स। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।